Hello students, today we will do chapter 20 of English grammar, that is adverbs. So students, you see what is the chapter today? Today it is adverbs. आज हम लोग adverbs पढ़ेंगे. Now students, adverbs देखिए, हम लोगों ने verbs के बारे में पढ़ा है. What are verbs? Verbs are action words. ये हम लोगों ने previous chapters में पढ़ लिया है. Okay, now here it is adverb. What are adverbs? मैं अगर आपको simply बताऊंगी तो फिर adverbs वो words होते हैं. Adverbs are words that tell us more about action. जो हमें action कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, like these verbs के बारे में और जानकारी देते हैं और बताते हैं. Those words are called adverbs. Okay, now let us read. You have already learnt about some action words. Now look at the following sentences. The horse is running. Virat is sitting. I met my friend. Okay, now in all the three sentences, there are action words. Tino sentences mein action words hain. First wale mein running, सेकेंड वाले में सिटिंग, थर्ड सेंटेंस में मेट, isn't it? नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नाउ सेम सेंटेंसेस को हम लोग दूसरे ग्रुप में देखिए किस तरह लिखे हुए हैं. द हॉर्स इज रनिंग फास्ट. विराट इज सिटिंग हियर. राज मेट हिज फ्रेंड यस्टरडे. In the second group of sentences, it is almost clear how the horse is running, where Virat is sitting, and when Raj met his friend. Okay, now in the second group of sentences, notice kiya aap logon ne students ki in second group of sentences mein extra words add kiye hue hain, jaise ki the horse is running fast, yani ki horse kaise daud raha tha, how the horse was running. He was running fast. So here you see action के बारे में और बताया हम लोगों को. It is giving more information about action, that how the action was taking place. The horse was running fast. Second, Virat is sitting here. Here sitting मतलब Virat कहाँ बैठा है. Virat is sitting here. Now Raj met his friend yesterday. मेट था, लेकिन अब हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिली एक्शन के बारे वर्ब के बारे में कि कब मिला वो अपने फ्रेंड से. इट वॉज यस्टरडे. सो स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इट इज़ ऑलमोस्ट क्लियर हाउ द हॉर्स इज रनिंग. ओके, सेकेंड ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में हॉर्स के बारे में क्या बताया है कि इसमें कौन सा हमें क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, हाउ द हॉर्स वॉज रनिंग. सेकेंड सेंटेंस में विराट इज सिटिंग हेयर, तो इसमें हमें क्या कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, वेयर विराट वॉज सिटिंग, विराट कहाँ बैठा था. एंड थर्ड में राज मेट हिज फ्रेंड यस्टरडे, व्हेन राज मेट हिज फ्रेंड, राज अपनी फ्रेंड से कब मिला था. सो द आंसर्स कम्स फास्ट, हेयर एंड यस्टरडे. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. सो स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स हमें वर्ब्स के बारे में बताता है कि कैसे हुआ था एक्शन, उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स. नाउ सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स अस व्हेन, हाउ एंड वेयर द एक्शन इज डन. एडवर्ब हमें क्या बताता है कि एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, या एक्शन कैसे हुआ. इन क्वेश्चंस के आंसर्स जिस वर्ड से मिलते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं. ओके, सो नाउ यू सी इन द रिमेंबर बॉक्स में देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स टेल्स अस अबाउट नाउन्स. तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, दैट डिस्क्राइब नाउन्स. और एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स टेल्स मोर अबाउट verbs, that means adverbs describe verbs. Let's see more.
मोहन इज रनिंग फास्ट, इसमें क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? हाउ इज मोहन रनिंग, इसमें आंसर क्या मिलेगा हमें? फास्ट. ओके, तो इसमें हमारा एडवर्ब क्या है? फास्ट. सेकंड सेंटेंस, गोपी इज शाउटिंग लाउडली. अगेन क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाउ इज गोपी शाउटिंग, इसमें आंसर क्या होगा? लाउडली. ओके, तो हमारा इसमें एडवर्ब क्या होगा? लाउडली. थर्ड सेंटेंस देखिए, तरुणा इज रिसाइटिंग द पोएम कॉन्फिडेंटली. इसमें अगेन क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ इज तरुणा रिसाइटिंग द पोएम, तरुणा कैसे रिसाइट कर रही थी पोएम? आंसर क्या होगा? कॉन्फिडेंटली. सो द अबव सेंटेंसेस टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन. ऑल द थ्री सेंटेंसेस में हमें क्या पता चल रहा है कि एक्शन किस तरह हुआ. ओके, और जो वर्ड से हमें आंसर मिल रहा है, दोज वर्ड्स आर एडवर्ब्स. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सी, कैटी इज रीडिंग हेयर, इसमें हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है? वेयर इज कैटी रीडिंग, आंसर क्या होगा हमारा? हेयर, यहाँ. सेकेंड सेंटेंस, रेहान इज फ्लाइंग अ काइट इन द गार्डन. अगेन हमारा इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? वेयर इज रेहान फ्लाइंग अ काइट, अगेन प्लेस के बारे में बता रहे हैं. आंसर विल बी इन द गार्डन. थर्ड सेंटेंस, टीना इज डांसिंग इन हर रूम. अगेन क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर? वेयर इज टीना डांसिंग, आंसर क्या होगा? इन हर रूम. सो इन तीनों सेंटेंसेस में ऑल द अबव थ्री सेंटेंसेस आर टेलिंग अस वेयर द एक्शन टुक प्लेस. ऑल द थ्री सेंटेंसेस में हमें क्या पता चल रहा है कि एक्शन कहाँ किए गए. फर्स्ट ग्रुप ऑफ, इससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस रीड किए थे, उससे हमें क्या पता चल रहा था कि एक्शन किस तरह हुए. सेकेंड ग्रुप में अभी जो हम लोगों ने थ्री सेंटेंसेस रीड किए, उसमें क्या पता चल रहा है कि एक्शन कहाँ हुए, वेयर. ओके, सो इन द अबव सेंटेंसेस इट इज क्लियर वेयर द एक्शंस हैव बीन डन. नाउ पे योर अटेंशन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नाउ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस रीड करते हैं. काजल इज वॉशिंग हर हैंड्स नाउ. आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे. थर्ड सेंटेंस, अनुज विल प्ले क्रिकेट टुमारो. नाउ सी अगेन, ऑल द अबव सेंटेंसेस टेल अस व्हेन द एक्शंस आर डन. ओके, नाउ इन थ्री सेंटेंसेस में हमें क्या पता चल रहा है कि एक्शंस कब हुए, किस समय हुए. ओके, सो व्हाट आर दोज वर्ड्स? लाइक काजल इज वॉशिंग हर हैंड्स नाउ. नाउ वर्ड नाउ से हमें पता चल रहा है कि अभी हैंड्स वॉश कर रही है काजल. ओके, सेकेंड, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे. यस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ कल. अगेन हमें टाइम पता चल रहा है कि कब वो अपने फ्रेंड से मिला था. द थर्ड सेंटेंस, अनुज विल प्ले क्रिकेट टुमारो. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अनुज क्रिकेट कल खेलेगा. अगेन टाइम बताया जा रहा है. सो इन ऑल द थ्री सेंटेंसेस में ऑल द अबव सेंटेंसेस टेल अस व्हेन द एक्शंस आर डन, एक्शंस कब हुए. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स. सो स्टूडेंट्स, वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द एक्शंस, क्या बताते हैं एक्शंस के बारे में? दैट when the actions are done, how the actions are done, and where the actions are done. तो ये जो questions के answers होते हैं उनको हम adverbs कहते हैं. That is, adverbs tell us more about actions. Adverbs हमें actions के बारे में और ज़्यादा information देते हैं.
Okay, students?